फ्रेंड्स, आगे हमने टेक्स्ट बुक में से यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे हमारी वर्कबुक। यूनिट वन, फर्स्ट डे एट स्कूल। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रैक्टिस। लुक, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, तो हम स्टार्ट करेंगे। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर हमें चार ऑप्शन में से ढूंढना है। जो सही आंसर है वो यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है, आई वंडर इफ माई ब्लैंक विल बी एज गुड एज देयर्स। यूनिट में हमने देखा था कि बच्चा सोचता है कि जब वो स्कूल जाएगा तो ऐसा क्या बनाएगा जो दूसरे बच्चों जैसा होगा या उससे भी अच्छा होगा या कम होगा। तो ड्राइंग, फर्स्ट ऑप्शन था रीडिंग, सेकंड ऑप्शन था सिंगिंग, थर्ड ऑप्शन था ड्राइंग और फोर्थ ऑप्शन था राइटिंग। पर यूनिट में हमने देखा था कि बच्चा ड्राइंग के बारे में ऐसा सोचता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग। तो यहाँ पर बॉक्स में हमें लिखना है सी। सेकंड, आई वंडर इफ माय ब्लैंक विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। बच्चा सोचता है कि स्कूल में क्या मेरी मम्मी और दादी जैसी होगी। तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, टीचर। तो यही ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चा अपनी टीचर के बारे में सोचता था कि क्या उसकी टीचर उसकी मम्मी और दादी जैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो बॉक्स में हम लिखेंगे ए। थर्ड, आई वंडर इफ माय ब्लैंक विल वंडर वेर आई एम। बच्चा सोचता था कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तब घर पे जो मेरा पपी होगा वो सोचता होगा कि मैं कहाँ चला गया। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमें लिखना है पपी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक लिसन एंड रिपीट। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें यहाँ पर पिक्चर देखने हैं और बॉक्स में से राइट वर्ड ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट पिक्चर हम देखेंगे तो ये बच्चा बहुत खुश है और स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। सेकेंड पिक्चर है, उसमें ये लड़की बहुत गुस्से में है, तो हम लिखेंगे ए एन जी आर वाई, एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा करना। थर्ड पिक्चर है तो ये लड़की बहुत दुखी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैड, एस ए डी, सैड मीन्स दुखी होना। फोर्थ पिक्चर है तो इसमें ये बच्चा बहुत आश्चर्यचकित है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरप्राइज्ड, एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। फिफ्थ पिक्चर है तो ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्केर्ड, एस सी ए आर ई डी, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ होना। सिक्स पिक्चर है तो यहाँ पर ये बच्ची पर्दे के पीछे छुपी हुई है, तो ये बहुत शर्मा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे shy, s h y, shy means शर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर नीचे हम पिक्चर देखेंगे और
उसके रिलेटेड जो एक्शन वर्ड होगा वो हम नीचे लिखेंगे। फर्स्ट है तो ये लड़का खड़ा है, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टैंडिंग, STANDING। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना। सेकेंड पिक्चर में ये बच्चा जंप कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। थर्ड पिक्चर में ये बच्चा चल रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग मीन्स चलना। फोर्थ पिक्चर में ये बच्चा बॉल को फेंक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोइंग, THROWING, थ्रोइंग मीन्स फेंकना। पिक्चर नंबर 5 में बच्चा बॉल को कैच कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। कैचिंग मीन्स बॉल को या कोई भी चीज को कैच करना। सिक्स पिक्चर में ये लड़की बुक को पढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीडिंग, READING, रीडिंग मीन्स पढ़ना। पिक्चर नंबर 7 में यह लड़का खाना खा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईटिंग, EATING, ईटिंग मीन्स खाना खाना। पिक्चर नंबर 8 में ये लड़की पानी पी रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग मीन्स पानी पीना। पिक्चर नंबर 9 में ये लड़का बॉल को किक कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किकिंग, KICKING, किकिंग मीन्स बॉल को किक करना। पिक्चर नंबर 10 में ये लड़का गाना गा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग मीन्स गाना गाना। पिक्चर नंबर 11 में ये लड़की चेयर पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिटिंग, SITING, सिटिंग मीन्स बैठना। पिक्चर नंबर 12 में ये लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रनिंग, RUNNING, रनिंग। पिक्चर नंबर 13 में ये लड़का लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइटिंग, WRITING, राइटिंग। पिक्चर नंबर 14 में ये लड़की डांस कर रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डांसिंग, DANCING, डांसिंग। तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने देखा था पहले फर्स्ट डे एट स्कूल, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हल्दीज एडवेंचर। राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCOD इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन ढूंढ के यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है, हल्दी वॉज गोइंग टू ब्लैंक, हल्दी कहाँ जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए में है स्कूल, तो हल्दी तो स्कूल जा रही थी ना, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो बॉक्स में हमें लिखना है ए। सेकंड है, हल्दी मेट ब्लैंक, हल्दी किसको मिली। ऑप्शन नंबर ए हॉर्स, बी काउ, सी एलिफेंट, डी जिराफ, तो हल्दी जिराफ को मिली, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, तो हम बॉक्स में लिखेंगे डी, हल्दी मेट अ जिराफ, हल्दी जिराफ को मिली। थर्ड है, व्हाट डिड द जिराफ वेयर, जिराफ ने क्या पहना था। ऑप्शन नंबर ए है रिंग, ऑप्शन नंबर बी है ग्लासेस, ऑप्शन नंबर सी है शूज, ऑप्शन नंबर डी है यूनिफॉर्म, तो जिराफ ने क्या पहना था, ग्लासेस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में बी। फोर्थ है, व्हाट डिड द जिराफ हैव इन हिज हैंड, जिराफ के हैंड में यानी कि जिराफ के हाथों में क्या था।
ऑप्शन नंबर ए है बैग, ऑप्शन नंबर बी है पेन, ऑप्शन नंबर सी है बुक और ऑप्शन नंबर डी है टॉय। तो जिराफ के हाथों में बुक थी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिखेंगे सी। फिफ्थ है द जिराफ्स नेम वॉज ब्लैंक, जिराफ का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए स्माइल, ऑप्शन नंबर बी स्माइल्स, ऑप्शन नंबर सी स्माइलिंग, ऑप्शन नंबर डी स्माइली। तो जिराफ का नाम था स्माइली, द जिराफ्स नेम वॉज स्माइली, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिखेंगे डी। सिक्स है हल्दी वेंट टू स्कूल ब्लैंक, हल्दी स्कूल कैसे गई। ऑप्शन नंबर ए है वॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी है ऑन द जिराफ्स बैक, ऑप्शन नंबर सी है रनिंग और ऑप्शन नंबर डी है बाय बस। तो हमने यूनिट में पढ़ा था कि हल्दी जिराफ की बैक पे ऊपर बैठकर स्कूल गई, तो ऑप्शन नंबर बी है ऑन द जिराफ्स बैक, हल्दी जिराफ की बैक के ऊपर बैठकर स्कूल पहुंची। तो ऑप्शन नंबर बी हम लिखेंगे बॉक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर हमें दी गई है फिफ्थ ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक है हल्दी वॉज गोइंग टू, हल्दी कहाँ जा रही थी, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड है द जिराफ वोर बिग ब्लैंक, जिराफ ने क्या पहना था, ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस, द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, जिराफ ने बड़े चश्मे पहने थे। थर्ड है द जिराफ हैड अ ब्लैंक इन हिज हैंड, जिराफ की हाथों में क्या था, बुक, बी डबल ओ के बुक, द जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड, जिराफ की हाथों में बुक थी। फोर्थ है हल्दी प्लेड ब्लैंक ऑन सैटरडे, हल्दी कब खेलती थी सैटरडे को। फोर्थ है हल्दी प्लेड ब्लैंक ऑन सैटरडे, हल्दी सैटरडे को क्या खेलती थी, गेम्स, जी ए एम ई एस गेम्स, हल्दी प्लेड गेम्स ऑन सैटरडे। फिफ्थ है हल्दी वेंट टू स्कूल ऑन द ब्लैंक, हल्दी स्कूल कैसे पहुंची, जिराफ्स बैक यानी कि जिराफ की बैक के ऊपर बैठ के, जी आई आर ए डबल एफ ई एस जिराफ्स, बी एस सी के बैक जिराफ्स बैक, हल्दी वेंट टू स्कूल ऑन द जिराफ्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राइट टू राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। फर्स्ट है वे, तो वे के राइमिंग वर्ड्स है डे और अवे, डी ए वाई डे ए डब्ल्यू ए वाई अवे, वे डे अवे। सेकेंड है कुक, बुक और लुक, बी डबल ओ के बुक, एल डबल ओ के लुक, कुक बुक और लुक। थर्ड है हेट, लेट और डेट, एल ए टी ई लेट, डी ए टी ई डेट, हेट लेट और डेट। फोर्थ है ग्राउंड, राउंड और फाउंड, आर ओ यू एन डी राउंड, F O U N D found, ground round found। Next question है filling the blanks, यहाँ पर हमें दिए गए हैं ऑप्शन। फर्स्ट है children, तो children क्या कर रहे हैं, play, P L A Y children play। Second है bells, bells बजती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ring, R I N G bells ring। थर्ड है डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, बी ए आर के डॉग्स बार्क। फोर्थ है बर्ड्स,
सेल SAIL सेल बर्ड्स तैरती है। फिफ्थ है बर्ड्स फ्लाई FLY फ्लाई बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यहां पर आपको लिखने हैं डेज के नेम। संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे करेक्ट द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंस। यहाँ पर हमने सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से मिस्टेक निकालनी है और सेंटेंस को करेक्ट करके फिर से लिखना है। फर्स्ट है आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है कि आई को हमें करना है कैपिटल और सेकंड मिस्टेक है कि यहाँ पर हमें पीछे करना है फुल स्टॉप। तो हमें लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आई को कैपिटल करना है आई एम अ गुड बॉय और पीछे फुल स्टॉप। सेकंड है टुडे इज संडे। तो टी में हमें करना है टी को कैपिटल टुडे इज और संडे में एस को करना है कैपिटल संडे और पीछे करना है फुल स्टॉप। थर्ड है राज इज प्लेइंग। तो राज में आर हमें करना है कैपिटल राज इज प्लेइंग और पीछे करना है फुल स्टॉप। फोर्थ है व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल। व्हाट में डबल यू हमें कैपिटल करना है व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल और ये एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर पीछे हमें करना है क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है दिस इज माय बुक। तो दिस में टी हमें कैपिटल करना है दिस इज माय बुक और पीछे करना है फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। बिफोर यानी कि पहले और आफ्टर यानी कि बाद में। ये दो वर्ड के यूज करके हमें सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट है आई ब्रश माय टीथ आफ्टर आई वेक अप यानी कि मैं उठता हूँ और उसके बाद यानी कि आफ्टर में ब्रश करता हूँ। सेकंड है आई हैव माय बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ उसके पहले मैं बाथ यानी कि नहाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ उसके पहले मैं बाथ लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा बिफोर। थर्ड है आई क्लीन माई माउथ आफ्टर ईटिंग माई फूड। इसका मतलब है कि जब मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मैं अपना मुंह क्लीन करता हूँ तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। फोर्थ है आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर प्लेइंग। इसका मतलब है कि मैं खेलने के बाद मेरे हाथ को साफ करता हूँ तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। फिफ्थ है आई डू माई होमवर्क आफ्टर आई गो होम। मैं घर जाने के बाद मेरा होमवर्क करता हूँ तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। सिक्स्थ है आई वेयर माई शूज बिफोर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ उसके पहले मैं शूज पहनता हूँ। सेवेंथ है आई सिट इन द क्लासरूम आफ्टर रीचिंग स्कूल। मैं स्कूल पहुंचने के बाद मेरे क्लासरूम में बैठता हूँ तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। और फ्रेंड्स पीछे यहाँ पर आपको दिया गया है लेट्स राइट। तो यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए हैं तो इसको आपको अपने आप कंप्लीट कर लेना है। फन टाइम। फर्स्ट हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें यहाँ पर एक लेटर दिया गया है हिप्पोपोटामस तो उनके ऊपर से आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बनाने हैं। तो ये हमने टेक्स्ट बुक में लर्न किया था तो ये आपको अपने आप ट्राई करना है। ऊपर हमने हिप्पोपोटामस तो सनफ्लावर में से आपको इतने वर्ड बनाने हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ द थिंग्स व्हाट यू टेक विद यू गो टू स्कूल। तो जब आप स्कूल जाते हो तब आप अपने साथ क्या क्या चीजें ले जा सकते हो वो आपको ढूंढना है। तो बॉल, बुक्स और शार्पनर। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो बॉल तो लेके जा नहीं सकते, तो आप बुक्स और शार्पनर को ले जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सर्कल करना है। यहाँ पर है आइसक्रीम, लंच बॉक्स और पेंसिल। तो आइसक्रीम तो हम स्कूल नहीं लेके जा सकते, तो लंच बॉक्स और पेंसिल के ऊपर सर्कल करना है। यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, इरेजर और वाटर बॉटल। ब्लैक बोर्ड हम स्कूल पे नहीं लेके जा सकते, वहां पर तो ऑलरेडी होता ही है। तो इरेजर और वाटर बॉटल हम बैग में डाल के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है इरेजर और वाटर बॉटल के ऊपर। नेक्स्ट है रूलर, टूथब्रश और कंपास बॉक्स। तो टूथब्रश तो हम घर पे यूज करते हैं, स्कूल हम लेके जा सकते हैं रूलर और कंपास बॉक्स। तो इन दोनों के ऊपर सर्कल करना है। यहाँ है स्कूल बैग, पप्पी और बेल। तो बेल तो स्कूल में ऑलरेडी होता है, और पप्पी तो हम स्कूल लेके जा नहीं सकते, तो हम लेके जा सकते हैं स्कूल बैग। तो स्कूल बैग के ऊपर सर्कल करना है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ पिक्चर्स। तो पिक्चर्स को देखकर हमें यहाँ पर उसके स्पेलिंग लिखना है, सेंटेंस लिखना है। तो ये लड़का ट्री के ऊपर यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाइंबिंग ट्री। यहाँ पर आपको ऊपर दिया ही गया है क्लाइंबिंग अ ट्री, तो उसमें से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है क्लाइंबिंग ट्री। सेकंड पिक्चर में ये लड़की अपने बाल बना रही है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कॉम्बिंग हेयर। तो यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है कॉम्बिंग हेयर, तो उसमें से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। पिक्चर नंबर 3 में ये लड़का ब्रश कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रशिंग टीथ। 4th नंबर के पिक्चर में ये लड़की अपना फेस क्लीन कर रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉशिंग फेस। 5th नंबर के पिक्चर में ये बच्ची टीवी देख रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉचिंग टीवी। पिक्चर नंबर 6 में ये लड़की अपने हैंड्स से क्लैप कर रही है यानी कि ताली बजा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लैपिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, ये सब सेंटेंस आपको ऊपर बॉक्सेस में दिए गए हैं, तो वहां से देखकर आप यहाँ पर सेंटेंस लिखना है।